आषाढ़ माह में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। आज वर्धा जिले में भी उत्कल समाज की ओर से शहर से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई। 1 जुलाई को श्री राम मंदिर से शुरू हुई और वर्धा शहर के करुण श्री राम मंदिर में भ्रमण होगा। रथ यात्रा का विशेष आकर्षण ओडिशा क्षेत्र के विशिष्ट संकीर्तन और इस्कॉन संकीर्तन था। इस रथ यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जगन्नाथ महाप्रभु संपूर्ण विश्वा महाप्रभु है आणि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया या दिवशी त्यांचे रथयात्रा आपण काढत असतो आणि सामान्यपणे मंदिरात अहिंदू लोकांचे दर्शन वर्जित आहे, तिथे दर्शन नाही करू शकतात। याच्यासाठी महाप्रभू श्री जगन्नाथ बाहेर पडतात, त्यांचे जे वास्तविक विग्रह असतो त्या विग्रहाला बाहेर काढत असतात आणि महाप्रभू संपूर्ण जगाला दर्शन देण्यासाठी, संपूर्ण जगाला पवित्र करण्यासाठी, संपूर्ण जगाला मुक्तीचा मार्ग प्रदर्शनासाठी बाहेर येतात। आणि आजचं दिवस आणि तो आज हा रथयात्रा फक्त पुरी नव्हे, विश्वभरात त्याचं यात्रा काढला जात आहे। जगन्नाथ जो है विष्णु भगवान का अवतार है और जगत का नाथ है। ये विश्वरूप विश्व में हर जगह पे जगन्नाथ की यात्रा किया जाता है। अभी पूरी जगन्नाथ में विश्व प्रसिद्ध है। अभी हम वर्धा में ये पहले साल हुआ था एक बार, उसके बाद कोविड के कारण हुआ नहीं था, अभी ये दूसरी बार हो रहा है। इसमें क्या है, हम लोग चौक चौक में घूम के जगन्नाथ की प्रतिमा चौक चौक में बैठा के उनका आरती कराते हैं, के बाद में 8 दिन के ये महादेव मंदिर में आते हैं।